हेलो एवरीवन, मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एंड कैक में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज जूनियर असिस्टेंट जिसमें 1262 पद थे उसका एग्ज़ाम था। तो इस वीडियो में देखेंगे हम कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा, क्या कट ऑफ जा सकती है और कैसे कट ऑफ का हम अंदाज़ा लगाएंगे इसके बारे में बताएंगे। और बाकी बहुत सारे बच्चों ने अभी तक आंसर की नहीं देखा होगा तो वे आंसर की कहाँ से दे सकते हैं और कितनी अटेंडेंस रही इसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि मैं सोच रहा था कि मैं भी एक एस आर के का वीडियो बना दूं, यहां तक कि थंबनेल भी बना लिया गया था रीजनिंग के, कंप्यूटर के, यूपीजीके के, जीएस के, हिंदी के थंबनेल भी बना लिया गया था, लेकिन मैंने सोचा कि इससे आप लोगों को परेशानी होगी और झूठ में ही 4-5 वीडियो बन जाएंगे। उससे अच्छा है कि एक पीडीएफ आपको दे दिया जाए जिसमें ऑलरेडी जो सही क्वेश्चन हैं वो टिक हों, क्योंकि थ्योरी उसको समझाना तो है नहीं, केवल ऐसा ही बताना है। तो UPPCS 1 करके कुछ चैनल है, उनके माध्यम से ऐसा की बनाया गया है जिनका ऐसा की लगभग लगभग सही रहता है, 1-2 क्वेश्चंस का मार्जिन होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। तो उसका जो ऐसा की है मैंने आपको सेंड कर दिया है अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से उसको प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट 3800 वाले पद का एग्जाम देना चाहते हैं, वो अगर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो क्वेश्चन पेपर भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। और इन सबका जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मैं डायरेक्ट आंसर की का भी आपको लिंक दे दूँगा जहाँ से आप डायरेक्ट आंसर की ही प्राप्त कर सकें। तो आप लोग कमेंट बॉक्स को जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपने क्वेश्चन पेपर को देख लिया होगा अब तक, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, जिसमें आपको सारी चीज़ें भेज दी गई हैं, आंसर की हुआ और कितने बच्चों को बुलाया जा सकता है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ एक गूगल फॉर्म भी आपको दिया गया है। गूगल फॉर्म किस लिए, तो मैं आपको बता दूँ कि हमारे द्वारा कभी भी आपको गलत कट ऑफ नहीं बताई जाती है, हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल कट ऑफ आपको बताई जाए। इसके लिए हम एक गूगल फॉर्म निकाले हुए हैं जिसको आप लोग भर दीजिएगा, जिसके बाद एक ऑथेंटिक डाटा निकल सके कि कितनी कट ऑफ जा सकती है आपकी जूनियर असिस्टेंट 1262 वाले पदों की। हम कभी भी कट ऑफ को ऐसे नहीं बताते हैं, ताकि बहुत सारे बच्चे हमसे ऑलरेडी कमेंट कर रहे थे एग्जाम से पहले ही कि सर इसके क्या सिर्फ स्कोर हो सकता है। तब भी हमने कहा था कि पेपर को पहले देखिए, पेपर के बाद ही डिसाइड होगा कि सेफ स्कोर क्या होगा। हम भी और यूट्यूबर्स की तरह पहले से ही कट ऑफ 75 या 80 बता दिए होते तो हमें भी व्यूज़ मिल गया होता, लेकिन ये कट ऑफ बिल्कुल गलत होता। पेपर को अगर आपने देखा होगा तो आप ये अब तक समझ गए होंगे कि पेपर का जो लेवल है ये बिल्कुल ईजी नहीं है, और ईजी नहीं है इन द सेंस जितने भी लोग 80+ कह रहे हैं ये तो गलत है। और पेपर आपका मॉडरेट भी नहीं है, तो मॉडरेट नहीं है इट मीन्स जो भी 75+ कह रहे हैं वो भी गलत है, ठीक है। तो आपकी कट ऑफ मेरे अनुसार 70 के आसपास है, 70 से कम रहने वाली है, 70 से कम रहने वाली है। एग्जैक्ट डाटा जो है आपका ये गूगल फॉर्म भरने के बाद ही आएगा, तो इस गूगल फॉर्म को आप जरूर भरिएगा, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको बहुत सारी चीज़ें और मिलती रहती हैं, जैसे कोई भी न्यूज हो या फिर आपका कट ऑफ हो, इन सबके बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो उसको आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा, आपको वहाँ से बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पेपर का लेवल मैंने बता दिया कि आपका मॉडरेट नहीं है, मॉडरेट से आपका ऊपर है और हार्ड की तरफ है, ठीक है। तो मॉडरेट से हार्ड आपका पेपर का लेवल है। कट ऑफ के लिए आप गूगल फॉर्म जरूर भरिएगा, इसमें आप लोग देर मत कीजिएगा गूगल फॉर्म। और हाँ, गूगल फॉर्म तभी भरिएगा जब ऐसा किसी से मिला लीजिएगा, ठीक है। आंसर किसी से मिलाने के बाद ही उसको भरिएगा। और ये ऐसा कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ऑफिसर आंसर की, जो भी आंसर की हो, जो मैं शेयर कर रहा हूँ इसके माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से, किसी और यूट्यूबर के ऐसा के माध्यम से आप ले लीजिएगा, उसके बाद ही इस गूगल फॉर्म को भरिएगा। अब हम बात करें कितने बच्चों ने एग्ज़ाम को दिया है, तो अभी तक जो रफ डाटा मिल रहा है उसके अनुसार लगभग 60% बच्चे ही हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को दिया हुआ है। बाकी एग्जैक्ट डाटा कल के न्यूज़पेपर के माध्यम से निकलेगा, और उम्मीद है कि 55 से 60% जो बच्चे हैं इन्होंने ही एग्ज़ाम को दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मोटा मोटी बात करें तो 60% प्लस माइनस 5% आप लोग ले सकते हैं, इतने बच्चों ने एग्जाम को दिया हुआ है। बाकी एग्जैक्ट डाटा को कल न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल जाएगा। तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं, आप लोग आंसर की जरूर मिलाइएगा और गूगल फॉर्म को मत भरिएगा एग्जैक्ट कट ऑफ के लिए, ताकि मैं एग्जैक्ट कट ऑफ बता सकूँ, एग्जैक्ट नहीं कहूँगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकूँ कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो
मिलते हैं जल्दी आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।